अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे क्योंकि यार एक साल हो गया और मैंने व्लॉग्स नहीं डाले और मैंने कहा था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा लेकिन कट कर पागल हो गए दोनों। बहुत दिन बाद खुले क्योंकि यार ये जगह ख़त्म हो गई थी, ये बांध के पाल रहा था मैं इनको, तो ये अब खुले हैं तो दीवाने हो गए, लड़े चले जा रहे हैं। ये देखो इनको दोनों को। तुम क्या चाहती हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। यार मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ ये मुझे मारना शुरू कर देता है। खैर भाई, मुझे पता है कि आप लोग जो हैं वो मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि एक साल पहले हमने आपसे वादा किया था कि हम डेली व्लॉगिंग करेंगे अपने जानवरों की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। और उसका रीज़न ये है कि जो हम बकरियों का दूध सेल करते हैं ना, वो वाली बकरियाँ यहाँ थीं तो हम उनको व्लॉग कर लिया करते थे, मगर ये मेरा घर है तो यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी यार और मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो हमने शाह फैसल कॉलोनी में एक जगह लेके इनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से सेटअप ख़त्म कर दिया था। मैंने एक व्लॉग में दिखाया भी था कि बकरियाँ जो हैं शिफ्ट हो रही हैं। उसके बाद फिर यहाँ सिर्फ जैकान था तो ऑब्वियसली इतना कॉन्टेंट मिलता नहीं था और कुछ मुर्गियाँ थीं, मगर अब हमने डिसाइड ये किया है कि घर पर मैंने सिर्फ वो जानवर रखे हुए हैं जो कि पेट्स हैं। सही है, पालतू जानवर हैं, इनका किसी तरह के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम कंट्रोल रखेंगे, थोड़े से रखेंगे और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग करूँगा। तो सबसे पहले तो जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरा, इस एक साल के गैप में अभी जो हमने चीज़ें ली हैं मैं वो तुम लोगों को दिखाता हूँ और उनसे तुम लोगों को मिलवाता हूँ। पहले तो इसको देखेंगे, जो है ये हमारी गुलाबी बकरी है जो हमने खरीदी है और इसके साथ एक बच्ची भी है और इसका नाम जो है वो हमने सुल्ताना रखा है, सुल्ताना। और ये बच्ची है, इसका नाम हमने मलका रखा है। इस वक्त जो है ये सबके ऊपर ना रेड ऑक्साइड लग गया है, इन सबके ऊपर जो है वो रेड ऑक्साइड लग गया है जिसकी वजह से ये थोड़ा मेहंदी कलर हुए जा रहे हैं। और ये बहुत शरारती बच्ची है वैसे। इस वक्त इनके खाने का भी टाइम है, सुबह हुई है तो ये खाना मांग रहे हैं, इसलिए भी ये शोर कर रहे हैं। अब मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे बकरों से। एक बकरा जो है वो मैंने ये मलका और सुल्ताना के साथ पाला है, उसका नाम हमने सुल्तान रखा है, गुलाबी बकरा है। और दो बकरे जो हैं वो कुर्बानी के हैं। तो आओ मैं तुम लोगों को पहले अब बकरे दिखाता हूँ। भाई ये जो गुलाबी बकरा है ना, इसने पूरे अपने मुंह पे रेड ऑक्साइड लगा लिया है। इसका नाम हमने सुल्तान रखा है, अभी ये बच्चा है। एक वो पीछे मक्खी चीना खड़ा हुआ है, ये कुर्बानी का बकरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे जानवरों के साथ माशाल्लाह ज़रूर बोलना है यार। और एक ये टापरा है जो कि कुर्बानी के लिए ही पाल रहे हैं हम। देखो यार ये जगह नई बनी है और सुल्तान ने अपने आप को क्या किया, पूरे पे मेहंदी लगा ली है, बांसों पे ना रेड ऑक्साइड लगी हुई है। ये आज मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसको मुझे मारना है, मारे जा रहा है मुझे। बदतमीज़ी मचाई हुई है बकरों ने आज यहाँ पे, पहली दफ़ा खुले हैं ये इस जगह पे। अब ये जगह से भी सेटल कर रहे हैं अपने आप को। बकरी भी हमारी पागल हो रही है यार। थोड़े दिन में ना उस जगह पे यानी इन बांसों के पीछे जो है वहाँ पे कुछ पौधे लगाएंगे और यहाँ पे कुछ पौधे लगाएंगे बकरीद से पहले। ये जो कच्ची जगह है ये हमारी असल में गंदी गली है, जो लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है। तो यहाँ पौधे लग जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने छत नहीं डलवाई है, उसका रीज़न ये है कि यार सीसीटीवी कैमरा छुप जाता है, तो कैमरे से ऊपर से ना हम तरपाल लेके स्लाइड कर देंगे यहाँ पे जब बारिशों का मौसम होगा। वैसे तो इस वक्त हम बकरों को निकालते ही धूप लगवाने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा है कि इनको धूप लगे यहाँ पे। अच्छा जी, जैकान से मिलने से पहले मैं तुम लोगों को मिलवाता हूँ गब्बर से। ये एक छोटा सा चूज़ा हमने पाला था और इसका साइज़ अब आप देखें, माशाल्लाह ये 4 महीने 3.5 महीने का हो गया। असील हीरे का चूज़ा है, मेल है और हमारी अपनी ब्रीड का है। और ये बहुत अच्छा बड़ा हो रहा है, मगर ये ख़ुद को ना बकरा समझता है और ये मारता भी है। इसको मैं एक आध दिन में तुम लोगों को इससे खेल के दिखाऊँगा। फ़िलहाल इसको बाहर जाना है क्योंकि बकरे बाहर हैं और ये अंदर रह गया है। और अब आपको मिलवाते हैं जैकान से। ये वो छोटा सा पपी इतना बड़ा हो गया, या 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 अभी मिलवाता हूँ मैं। इतना बड़ा हो गया, पागल हो गया, खुल गए देखो। खाना खा लो जाके जैकान।
खाना खा लो, जाओ खाना खा लो, खाना खा लो। अच्छा चलो मैं भी आ रहा हूँ, आ जाओ पहले खाना खा लो। क्या चाहिए तुमने? फिर शर्ट गंदी की मेरी? शर्ट गंदी नहीं करो, शर्ट गंदी नहीं करो। पागल क्यों हो गए? क्या हो गया? मेरी बाइक का कुछ टूटा ना, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या हो गया। खाना खा लो जाके। यहाँ देखो, और सबसे एंड में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे रोमियो भाई से। ये फिश टैंक तो आपको याद होगा, हमने एक ज़माने में सेट किया था, सारी मछलियाँ मर गईं, मगर बीच में हम ये सुलकाटा ले आए थे। ये बहुत छोटा था हमारे पास, तो अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये इस घर में ना अब जाता है तो पूरा घर अपने साथ ले कर बाहर निकलता है, पहले ये इसमें रह लेता था। तो भाई ये हमारे रोमियो भाई जो हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सलाद पत्ते खाते हैं, और वही खा खा के बड़े हुए हैं। अब इनको सलाद पत्ता डालते हैं, डालो। ये सलाद पत्ता इनको डाल दिया, और थोड़ी सी क्वांटिटी और डलेगी। इसको इस खाने के बर्तन में देते थे लेकिन ये यहाँ नहीं चढ़ता, तो अब इसको ज़मीन पर डालना पड़ता है। इसका घर भी साफ़ करना है यार, एक दिन बहुत गंदा हो गया है। और अभी ये डर के बैठा हुआ है क्योंकि मैं कैमरा लेके इसके मुंह पे आया हूँ, तो मैं कैमरा हटाऊँगा तो ये खाना शुरू करेगा। हेलो भाई, जयकांत और रोमियो को खाना दे दिया, अब इनकी जगह की सफाई हो रही है। बकरों की एक दफ़ा सफाई हो जाएगी तो फिर इनको अंदर करके खाना देंगे। अभी ये केला मैं खा रहा हूँ, ये इनको खिला देते, मलका को खिलाते हैं। लो तो खा रही नहीं है, बस फजूल में मेरा केले पे नजर लगाई जा रही है। भाई खाओगी तो दूंगा, ये लो छिलका खा, छिलका भी नहीं खाना है इतना। खाओ भी सुल्तान को खिला दो। कैसे खड़ा हुआ है नदीलों की तरह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई देखो, इन बकरों को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलना, बहुत शौक से पाले हमने ये। क्या हो गया तुम्हें आज सुल्तान, क्यों तंग करे जा रहे हो मुझे? यार मैं दोस्तों ने दिखा रहा था आप लोगों को कि मिट्टी जो है ना, हमने ऐसे डलवाई थी कि ये जो है फैलवाएंगे, मगर इन लोगों ने लड़ लड़ के ना खुद ही मिट्टी फैलाना शुरू कर दिया। अभी मुझे लग रहा है पूरी खुद ही फैला लेंगे। यार मैं गब्बर को भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलवा देता हूँ। नसीम, चूजे को बाहर छोड़ दो, खोलो वो खुद ही बाहर आ जाएगा। अरे वहां से पीछे से जाओ, पीछे से। इतनी देर में तो बकरियां अंदर आ जाएंगी। हाँ बकरियों को डंडा मारो, ये खुद ही बाहर आ जाएंगे, आ जाएगा वो भी।
सीढ़ियों के पीछे से जाओ वो भी आ जाएगा। ऐसे ही खुद आराम से बाहर आ जाता है, आज बदतमीजी कर रहा है। मैं दिखा रहा था कि लड़ता कैसे, पता नहीं अभी डरा हुआ है क्योंकि उसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला है। ये चला जाएगा यहाँ पे झाड़ियों में खाने वाने, तो इसको जाने देते हैं अभी और हम देखते हैं कि सफाई की क्या पोजीशन है, फिर बकरियाँ अंदर करते हैं यार। चलो भाई इनकी जगह की सफाई हो गई है, मैंने जकान को उसकी जगह पे बंद कर दिया कि शोर कर रही हैं, थोड़ा सा पानी सूख जाए फिर मैं बकरों को अंदर करवाता हूँ और फिर इनको खाना डालते हैं, बल्कि काम करते हैं, इनका खाना मैं पहले डाल देता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। चलो भाई अब इसको अंदर करते हैं, ये गब्बर जो है ना ये सबसे ज़्यादा तंग करता है अंदर होने में, तो इसको तंग करते हैं, बाहर आने में भी ऐसे ही करता है, अंदर जाने में भी, तो खुद ही जा रहा है, चला गया खुद से। अभी असल में सब जानवर थोड़ा सा परेशान है, बिल्कुल नई जगह उनको समझ नहीं आ रहा ना कि कहाँ से आ गए ये बांस वगैरह, यहाँ खुले रहते थे। तो अभी आपके सामने ये देखें, तो ये गब्बर भी अंदर आ गया, तो ये देखो फिर से बाहर आ रहा है, फिर से बाहर आने की कर रहा है, इसने मुझे देख लिया तो ये अब अंदर जा रहा है। चलो यार इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग को क्लोज़, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से कल, अल्लाह हाफिज़।